पीछे जो आप मेरी जगह देख रहे हो बैकग्राउंड में, यहाँ मिलता है लुधियाना का सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब आपको लग रहा होगा कि फेवरेट ब्रेकफास्ट लुधियाना का आखिर है क्या, तो ये है भाई पूरी। पर इतनी बड़ी पूरी, ये पूरी वीडियो आप एंड तक जरूर देखना और बताना आपको पूरी लगी कैसी। शॉप के अंदर आ गए हम, जम्मू पूरी है यहाँ पे, आपको बोर्ड पीछे दिख ही गया होगा। तो शॉप के ओनर हमारे साथ है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? रविंद्र कुमार जी। ठीक है, तो कितनी पुरानी है सर शॉप अपनी? सर अपनी 2012 से 8-9 साल हो गए। अच्छा, यही इसी लोकेशन पे सर? नहीं, चौपाटी में 8 साल है, यहाँ भी 6 महीने। क्योंकि चौपाटी में आप लगाते थे पहले? मैंने खाई हुई है बहुत टाइम पहले आपकी ना, चौपाटी में। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चौपाटी से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है। आइटम वही है सर अपने पास? बिल्कुल। तो लगा दो सर एक जम्मू पूरी। एक ये हमारे गाजर का अचार है। ठीक है सर। ये आम की चटनी है। किस चीज़ की चटनी? आम की। आम की। आम की चटनी? हाँ जी। हाँ जी। क्या बात है, ये मुझे की तो सुनिए सर, आम की चटनी। आम की। आम की। वाह वाह। ये दही वाले आलू। दही वाले आलू? हाँ जी। ये भी चीज़ मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये ओनियन है, अच्छा ओनियन सब्जी के अंदर नहीं होता। दही वाले आलू सर सब्जी नहीं, थोड़ा बताना इसका क्या क्या सिस्टम है दही वाले आलू? ये अचार है सर। ओके। ये जो हम बनाते हैं अचार होती है। ठीक है। ये चने, चने की सब्जी। और प्याज आप साथ में दे रहे हैं सब्जी में? प्याज नहीं होता? प्याज नहीं होता। और लहसुन? कुछ नहीं होता सर। अच्छा, बिना प्याज लहसुन के सब्जी है ये? आलू भी सर। तो जो नहीं प्याज लहसुन खाते उनके लिए कच्चे प्याज नहीं देते? सामने आलू, आलू की सब्जी सर, बिना प्याज लहसुन। ये भी बिना प्याज लहसुन। थोड़ी फुटबॉल साइज हमारे सामने है, मेरे मुंह जितनी होगी अगर मैं कंपैरिजन करूं। मुंह से बड़ी है भाई। तो पहले आपको आलू दिखाते हैं। ये है जी आलू। कंसिस्टेंसी ग्रेवी बिल्कुल बिल्कुल अच्छी है, ग्रेवी ठीक है। और ये चने हैं इनके, ये भी थोड़े घर जैसा कलर है इसका, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। जो पूरी और छोले जो कॉम्बिनेशन है ना वैसा कलर है। बाकी टेस्ट हम करते हैं। ये दही वाले आलू हैं, अब मुझे मैंने खाए नहीं कभी, तो देखते हैं अभी इसका टेस्ट होगा ऐसा। ये चटनी है, ये किस चीज़ की चटनी भैया? आम की। पूरी बिल्कुल क्रिस्पी है, मतलब मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है ना, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, वो क्रिस्पी क्रिस्पी। वो ज़्यादा देर ना करते हुए हम करते हैं उसको शुरू करते हैं और बताते हैं। यू कैन लिसन टू द क्रंच, बिल्कुल फ्रेश है। दैट्स अ फर्स्ट बाइट। पहले आलू, आलू पास है 10 में से 10, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और ये है माय पर्सनल फेवरेट और पूरी का बेस्ट साथी कॉम्बिनेशन उल्टन से। एक बाइट और लूँगा मैं, फिर रिव्यू दूँगा। बड़ा ही शानदार, मज़ा आ गया मुझे ऑटोमेटिकली। तीसरी बाइट मेरे हाथ में आ गई है, मैं रिव्यू दे ही नहीं पा रहा हूँ, इतना टेस्टी है।
क्योंकि पंजाब में ये और ये इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। ये तो भाई बहन है जो बाद में आए हैं, कोई जम्मू से आया कोई कहीं से आया, हमने उनको भी मान और सम्मान दिया। तो ये आलू देखते हैं पहले, जो मैंने कभी नहीं खाए। आलू का फ्लेवर खट्टा है, खट्टापन सा है, उसमें अचार ही फ्लेवर है। अब इनकी आम की चटनी खाते हैं। ये चटनी है, ऐसे टेस्ट करते हैं। स्वीट, वेरी स्वीट, गुड, खट्टा मीठा और बेस्ट और सेकंड बेस्ट। तो ये तो रैंक नहीं कर सकते इसको, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी लाइट, जितना साइज है उससे उतना ही लाइट है ये। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है यार मसाला का ना आलू में, मतलब एकदम मसालेदार वाले आलू हैं बड़े, जिनको हम रस्मी से आलू भी बोलते हैं ना, वैसा फ्लेवर है। अब चने देखते हैं, चने के साथ बहुत ही बढ़िया यार। अब ये दही वाले आलू ना मैं अकेले खा के देखूंगा, एकदम ना खटास में और बढ़िया, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, तीनों चीज़ों का यूनिक फ्लेवर है। पूड़ी का ना मेजर जो मेरे को चीज़ पसंद आई है, पूड़ी का साइज़ बहुत बड़ा है, साइज़ बड़ा होने से एक तो देसी घी की है, तो मेरे हिसाब से तो अगर भूख कम लगी हो तो एक पूरी बहुत है। 50 रुपये की इनकी एक पूरी है, दो पूरी 80 रुपये की है, 80 रुपीज़ की, तो वर्थ है यार। देसी घी वाली पूरी है, साइज़ भी बहुत बढ़िया है, तीन सब्ज़ियाँ हैं, सलाद है साथ में, 80 रुपये में अच्छा ब्रेकफास्ट है। चटनी इनकी आम की है, उसका भी एक यूनिक फ्लेवर है। बहुत ही बढ़िया यार,